Good morning, all my dear students. I am Keshav Kumar Chaudhary, director cum biology faculty of Gurukul Classes Birol, the institutes registered under Bihar government. Today I am going to teach you that what is biology. So let us we discuss here that what is biology. I hope that you all get well in your home. Stay home and stay safe. First of all, we discuss here that what is biology. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है. दसवीं पास करने के बाद हम लोगों ने ठाना है कि हम बायोलॉजी से आगे डॉक्टर या फिर इसी अन्य लाइन में जाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ शुरुआत करते हैं कि आखिर बायोलॉजी होता क्या है. व्हाट इज बायोलॉजी. आफ्टर दैट वी विल टेल यू दैट व्हाट इज द स्कोप ऑफ बायोलॉजी. Why should we study biology one by one? Biology शब्द का जो निर्माण है यह ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है बायोलॉजी. एक बायोस और दूसरा लोगोस. याद रखेंगे सभी बच्चे, बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्द से मिलकर बने हैं, एक बायोस और दूसरा लोगोस. बायोस का मतलब होता है इंग्लिश में लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी. और आप हिंदी में कह सकते हैं लाइफ का मतलब होता है जीवन और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना. अर्थात यदि आप शॉर्ट में बोलें तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. बड़ी शॉर्ट डिफिनीशन है कि जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है. या फिर यदि आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. या फिर एक और डिफिनीशन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. लाइफ का मतलब होता है जीवन. एंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सजीव, अर्थात जिसमें जीवन हो. तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी. तो हम लोग डिफिनीशन अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि कहीं यदि कोई पूछता है व्हाट इज बायोलॉजी तो हमें जवाब देना है आज से, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी. या फिर शॉर्ट में यदि आप और शॉर्ट में जाएं तो बस इतना भी याद रख सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. जीवन का अध्ययन ही कहलाता है जीव विज्ञान. अब हम लोग यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव टर्म याद रखेंगे. द टर्म बायोलॉजी वाज क्वाइंड बाय. क्वाइंड का मतलब होता है दिया गया था उनके द्वारा, बाय लेमार्क. याद रखिएगा, लेमार्क और ट्रिविरेनस नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1802 एडी का मतलब होता है. चूंकि आप लोग नए बच्चे हैं, जिनको नहीं मालूम हो याद रखिएगा, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, अर्थात जिसे हम लोग हिंदी में ईस्वी के नाम से जानते हैं. तो बायोलॉजी शब्द जो है वो लेमार्क और ट्रिविरेनस के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, इन दोनों के द्वारा, कितना ईस्वी में 1802. एडी का फुल फॉर्म एक बार और बता दे रहे हैं, लिख भी सकते हैं आप, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट. फादर ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के पिता, जनक हम लोग किसे कहते हैं, तो निश्चित रूप से सभी बच्चे याद कर लेंगे, एरिस्टोटल, जिसने हम लोग अरस्तु के नाम से जानते हैं. तो बायोलॉजी टर्म किनके द्वारा दिया गया था, लेमार्क और ट्रिविरेनस नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1802 ईस्वी में. और बायोलॉजी के पिता कहे जाते हैं कौन, एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु. अब हम लोग बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी. तो याद रहे कि बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं केवल तीन ब्रांच की.
तो देयर आर मेनली थ्री ब्रांचेज. ब्रांचेज का मतलब होता है शाखा ऑफ बायोलॉजी. पहला है बोटनी, दूसरा जूलॉजी और तीसरा जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी. तो हम लोग याद रखेंगे बोटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी. वंस मोर, बोटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी. बोटनी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान. वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा. जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान. सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपने नेकेड आई के द्वारा नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए एक विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करना कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी अर्थात सूक्ष्म जीव विज्ञान. तो यहाँ पर यदि आप अच्छे बच्चे हैं, इंग्लिश आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स अबाउट ए स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बोटनी. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स अबाउट ए स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी. और द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स अबाउट ए स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. ये पूरा लंबा डिफिनीशन है, लेकिन यदि हम लोग शॉर्ट में इसे याद रखना चाहें तो बोटनी का मतलब समझना है ए स्टडी ऑफ प्लांट्स. पेड़ पौधे का अध्ययन करना ही कहलाता है वनस्पति विज्ञान. और यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है ये, क्षमा चाहूंगा, ए स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बोटनी. और बोटनी के जो पिता हैं वो हैं थियोफ्रास्टस. और जूलॉजी के पिता हैं एरिस्टोटल, याद रखिएगा. बोटनी के पिता थियोफ्रास्टस और जूलॉजी के पिता एरिस्टोटल. और हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के पिता हम लोग जानते हैं एरिस्टोटल को. और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, जीव विज्ञान के जिस शाखा में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं. और इनके जो फादर हैं वो हैं ल्यूवेनहॉक, जिनके बारे में डिटेल से हम लोग आगे चर्चा करेंगे. तो आज के क्लास में हमने क्या देखा, बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, बायोस लोगोस. बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ. लोगोस का मतलब स्टडी. लाइफ मतलब जीवन, स्टडी मीन्स अध्ययन करना. स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. यू कैन आल्सो से द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी. द टर्म बायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय लेमार्क एंड ट्रिविरेनस इन 1802 AD आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट. फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, बोटनी ए स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी ए स्टडी ऑफ एनिमल्स, माइक्रोबायोलॉजी ए स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट इज ल्यूवेनहॉक. तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही. अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर बायोलॉजी के क्या सब स्कोप हैं, बायोलॉजी हमें क्यों पढ़ना चाहे, क्यों पढ़ना चाहिए. तो इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. जय हिंद, शुभ रात्रि.